तो यहाँ कहाँ है? हम सेंट मैरी स्कूल से पहले टाइम जा आई की तरफ आए थे, ये ग्राउंड है, एक गोल चक्कर से आगे जाके बारिश पड़ के हल्की हल्की हो रही थी तो हम बारिश में खड़े हुए थे। फिर सामने से दो गाड़ी आ रही थी, वो आए लड़के डाटा हो गया था मुझे, एक सबसे आगे वाले ने कैप लगा रखी थी सर पे लंबे थे, आए आते ही उन्होंने कहा ये और एकदम हमारे ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। एकदम फायरिंग करी तो मतलब मुझे पता नहीं चला, एकदम से कम गोली रखी, जब मैं पैसे जो हल्का सा पीछे हो गया तो मेरे दोस्त ने भी चैट खोल के देखी, तब लगी थी तो मुझे सीधा वापस से तुम आई उस पे और कोई नहीं मुझे बैठा के नहीं लिया, एक बाइक वाले को तो उसने मैं बैठाया, वो हमें यहाँ तक छोड़ दिया। आयुष ही छोड़ के गया? हाँ जी आयुष छोड़ के गया। हाँ जी आयुष छोड़ के। लड़के कौन कौन थे पहचान सकते थे? सिंटे कंके थे दो, उनकी भी नाम था मैं गट्टा लता, उसके साथ बताया उसका भाई था अमित वंशी। अमित नाम है क्या नाम? अमित यदुवंशी और एक अंके थे अमित, वही है जिससे लड़ाई हुई थी तो चोट लगी थी वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। हाँ वो अलग अमित कौन है? वही लड़का ही तो है ना उसका भाई है, मौसी का लड़का। क्या घटना हुई है आज आपके साथ? हम गोल चक्कर के पास ग्राउंड पर खड़े हुए थे तो सामने से दो बाइक आती हैं, सब ने मुँह पे कपड़ा बांध रखा था, एक लड़का इसमें अंकित तेजवंशी उसने कैप लगा रखी थी, उन्होंने आते कहा ये और हमारे ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, दो तीन राउंड फायर करे, जब मेरे गोली लग गई तब मैं नीचे गिर गया था, मेरे दोस्त ने उठा के देखा तो मेरे कंधे पे गोली लगी थी, फिर हम सीधा वो मेरा दोस्त मुझे यहाँ ले आया। कौन लोग थे जानते हो? जानते हो उन्हें कौन लोग थे वो? क्या भी? कौन लोग थे वो जानते हो ना? हाँ अंकित यदुवंशी नाम है उसमें से, और सबके मुंह पे कपड़े बंद रहे थे। तुम करने क्या गए थे वहाँ? करने क्या के लिए, क्या करने आए थे? आवाज नहीं आ रही भैया। कितने लोग थे वहाँ पर? वो 6 लोग थे वो। आप क्या? ये थाना मजोला से संबंधित अभी एक काम का प्रकरण है, इसमें एक वैभव नाम का आवाज आया जिसके कंधे में एक गनशॉट की इंजरी थी, यहाँ हॉस्पिटल उसको लाया गया था, अभी यहाँ पे उसको रेफर किया गया है, उसको बेहतर इलाज दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका एक परिचित है अंकित यदुवंशी, वो अपने साथियों के साथ आया था और इनको ये पीछे जो बुद्धि बिहार एरिया है इसमें ये घूमने आया था रिक्शा से, और वहाँ इनका पूर्व से भी कुछ आपस में झगड़ा चल रहा है, तो उसने इनको ऊपर फायर किया जो उसमें लगा है, जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और इसमें बाकी कार्रवाई कार्रवाई। ये जो इंजर्ड है इसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत है जिसमें विवेचना। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।